सभी को राधे राधे। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अक्षय तृतीया पे जो बिहारी जी के चरणों में चंदन का लड्डू रखा जाता है उसे कैसे बनाना चाहिए। अगर आपके यहाँ बिहारी जी हैं तो बिहारी जी के चरणों में रखें, नहीं लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल के चरणों में रखें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर आप ये पीला चंदन आता है इसका बनाना चाहती हैं तो आप पीले चंदन का बना सकती हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने पीला चंदन लिया है। तो अगर आप सफ़ेद चंदन का बनाना चाहती हैं तो सफ़ेद चंदन ले सकती हैं, दोनों में से कोई सा भी चंदन ले सकती हैं। यहाँ पर ये देखिए इत्र लिया है, ये गुलाब जल लिया है, और यहाँ हमारे बिहारी जी को कान्हा जी को देखो तुलसी प्रिय है, तो यहाँ पर हम लड्डू में डालने के लिए मंजरी लेंगे, और यहाँ पर ये कपूर लिया है। एक कपूर आरती करने वाला आता है, ये वो वाला कपूर नहीं है, अभी मैं आपको दिखाऊँगी कौन सा वाला कपूर है। तो आइए अब मैं आपको सिखाती हूँ कि चंदन का लड्डू आपको कैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको जितना बड़ा लड्डू बनाना है आप उतना चंदन ले सकती हैं। देखिए मैं तो आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर इतना चंदन ले लिया है। तो देखिए इसमें हम ये देखिए ये तुलसा जी की मंजरी है, ठाकुर जी को तुलसा जी विशेष प्रिय है, उसके बिना वो कुछ स्वीकार नहीं करती है। तो देखिए सबसे पहले हम मंजरी को इस तरीके से थोड़ी सी मंजरी इसमें डाल देंगे। फिर इसके बाद देखिए कपूर ठंडा होता है तो ये कपूर ले लेंगे और इसको इस तरीके से देखिए बिल्कुल पाउडर सा बना के तो देखिए यहाँ कपूर मैंने इस तरीके से तोड़ लिया है। तो ये ठंडे के लिए कपूर डालेंगे। फिर यहाँ हम इत्र डालेंगे। देखिए इस तरीके से इत्र डालेंगे हम। फिर इसके बाद देखिए ये गुलाब जल ले लेंगे। और चंदन आप सफ़ेद वाले का बनाए सफ़ेद वाले का बना लें। देखिए इस तरीके से गुलाब जल डालती जाएँ और इसे जैसे आटा लगाती हैं बिल्कुल आटे की तरह हमें इसे मलना है। देखिए इस तरीके से हम कर लेंगे। अब देखिए इस तरीके से जैसे लड्डू बनाते हैं, देखिए ये हमारा चंदन लड्डू देखिए तैयार हो गया है। आप बिहारी जी के चरणों में या फिर आप लड्डू गोपाल, अगर लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल के चरणों में इस तरीके से देखिए मेरा देखिए। तो हमारा ये लड्डू तैयार हो चुका है और इस तरीके से यहाँ पर लड्डू पे हमें तुलसा जी का पात लगा के इस तरीके से ठाकुर जी के चरणों में रखना है। बिहारी जी हैं तो बिहारी जी, लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल। अब देखिए अब मैं आपको बताऊँगी कि चंदन का लेप कैसे बनाना है। तो यहाँ हम लड्डू रख देते हैं। देखिए ये मैंने चंदन ले लिया है पहले, इसमें ठाकुर जी के लिए कपूर डालेंगे। इसमें इत्र डालेंगे। और फिर इसे हम गुलाब जल में देखिए इस तरीके से अब ब्रश सॉफ्ट सा और नया ब्रश आप ले लें इस तरीके से देखिए
ये चंदन का लेप अच्छे तीज वाले दिन आपको बना के कान्हा जी के लगाना है। अभी मैं आपको थोड़ा सा फेस पे लगा के दिखा देती हूँ किस तरीके से बनाना है। अभी चंदन यात्रा शुरू होने वाली है तो उसमें हमें तो देखिए वैसे चंदन यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन बहुत से लोग 22 अप्रैल को अच्छे तीज है उस दिन से करते हैं। देखिए ये अब तैयार हो गया है कितना अच्छी तरीके से। आपको जो चीज़ मैंने मिलाई है वही चीज़ लगा के अब देखिए हम अपने कान्हा जी के देखिए इस तरीके से देखिए इस तरीके से के इस तरीके से चंदन अच्छे तृतीया वाले दिन आप पूरी जगह फुल बॉडी पे आप ये चंदन लगाएं इस तरीके से। एक नया ब्रश लेना चाहे तो इसके ऊपर आप फूलों की माला भी पहना सकती हैं, लेकिन किस चीज का लेप बनाना है ये मैंने आपको बता दिया है। देखिए इस तरीके से कान्हा जी की पूरी बॉडी पे लगा के चंदन की आपको अक्षय तृतीया वाले दिन सेवा करनी है। तो चंदन लड्डू कैसे बनाना है और ठाकुर जी की चंदन सेवा कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। सभी को राधे राधे।